नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे 10वीं कक्षा का स्पर्श भाग 2 इस पाठ्यपुस्तक का एक आखिरी लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो इतिहास से संबंधित हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसे जाबाज सिपाही की कहानी सुनने वाले हैं यहाँ पर, जिसका नाम है वजीर अली। बच्चों, हबीब तनवीर द्वारा लिखित कारतूस, यह इस पाठ का नाम है जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हबीब तनवीर ने इस पाठ में जो दिया है उसके एक छोटी सी रूपरेखा को हम पहले पढ़ते हैं। इस प्रस्तुत एकांकिका में एक ऐसे जाबाज सिपाही वजीर अली के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना था। यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मात में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की भांति कंपनी की बटालियन के खेमे में आ पहुंचा और उनके कर्नल पर ऐसा रोब जमाया कि उसके मुंह से भी किसी शत्रु या किसी दुश्मन के लिए भी शब्द नहीं निकलते हैं, ऐसे शब्द निकल जाते हैं। तो बच्चों, उस कर्नल के मुंह से इस निडर वजीर अली, एक जाबाज सिपाही के बारे में ऐसे कौन से शब्द निकले, उसे अब हम इस पाठ के जरिए देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ को शुरू करते हैं वजीर अली और सादत अली के बारे में। हम यहाँ पर देख जानकारी हासिल करते हैं कि ये वजीर अली कौन था। बच्चों, ये वजीर अली जो था वो असीफुद्दौला का बेटा था। ये जो असीफुद्दौला थे वे अवध के नरेश थे, यानी राजा थे। उनका भाई, छोटा भाई था सादत अली। इस असीफुद्दौला को कोई संतान नहीं थी, यानी लड़का नहीं था जो उसके बाद उस तख्त पर बैठकर अपना वंश आगे बढ़ा सके। इसीलिए असीफुद्दौला जो था, उसका जो छोटा भाई था सादत अली, असीफुद्दौला का छोटा भाई सादत अली बड़ा खुश था। वो मन ही मन में बहुत खुश था, वो इसलिए कि अपने बड़े भाई असीफुद्दौला को कोई लड़का नहीं है। इसका मतलब बड़े भाई के बाद, यानी असीफुद्दौला के बाद, इस अवध के तख्त पर मैं ही बैठूंगा, मैं ही राज करूंगा। इसी में वो बहुत खुश था। लेकिन हुआ यूं कि सादत अली असीफुद्दौला को बड़े मन्नतों के बाद एक लड़का होता है जिसका नाम है वजीर अली। बस वजीर अली का जैसे ही जन्म हुआ, उसकी पैदाश हुई, वैसे ही सादत अली उसका दुश्मन बन गया। वो इसलिए क्योंकि उसका जो सपना था वो वहीं पर चूर चूर हो गया, क्योंकि उसे पता चला अब वजीर अली के आते ही अब मेरे हाथ से ये अवध का तख्त तो चला गया, क्योंकि असीफुद्दौला के बाद उसका बेटा वजीर अली ही इस तख्त पर बिठाया जाएगा, और इसीलिए वो उसका जन्म से ही दुश्मन बन गया। तो इस तरह से ये सादत अली जो था, ये वजीर अली का चाचा था और असीफुद्दौला का छोटा भाई था, लेकिन बचपन में ही वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। लेकिन ये दुश्मनी उसने कभी इस तरह से अपने भाई के जीते जी तो दिखाई नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो सादत अली था, ये बहुत ऐशो फरामश आदमी था। उसे बस पैसा उड़ाना, ऐशो आराम करना, इतना ही उसे पता था। उसे प्रजा की तो कुछ पड़ी नहीं रहती थी, और इसीलिए जो अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में आए थे, ये तो आप सबको पता है कि हमारे भारत देश में अंग्रेज़ एक व्यापार की दृष्टि से यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर हुकूमत कर बैठे थे। वो किस तरह से ये सादत अली जैसे लोग उनके हाथ लगे थे, और इसी कारण अंग्रेज़ अपना राज्य, अपनी हुकूमत हमारे हिंदुस्तान में कर बैठे थे। इस तरह से हुआ कि
जब वजीर अली अवध के तख्त पर बैठ गया था, तब सआदत अली जो था वो अंग्रेजों को जाकर मिला और अंग्रेजों ने भी देखा कि इन दोनों में भले ही रिश्ता है चाचा भतीजे का, लेकिन फिर भी उनमें बहुत गहरी दुश्मनी है। और उन्होंने देखा कि किसी भी हालत में इस वजीर अली को तख्त से निकालकर सआदत अली को वहाँ पर बिठाया जाएगा, ताकि सआदत अली के सारे गुण अंग्रेजों को पता थे कि वो सिर्फ ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहता है, उसके लिए प्रजा ना के बराबर है। तो उन्होंने वजीर अली को तख्त से निकाल दिया और सआदत अली को वहाँ पर बिठाया। सआदत अली बड़ा खुश हो गया, उसने अपना आधा राज्य और 10 लाख रुपए अंग्रेजों को दे दिए और खुद ऐशो आराम करता रहा। यहाँ पर वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई थी और उसे गुस्सा आ गया था सआदत अली पर भी कि जो अंग्रेज़ों से जा मिला था तो वो भी उसका दुश्मन बन गया था। तो इसी तरह से वजीर अली को गिरफ्तार कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने उसे महीना 3 लाख रुपए देकर वजीफा दिया, 3 लाख रुपए यानी उसके महीने का खर्चा 3 लाख रुपए उसे देकर बनारस में छोड़ दिया था, नज़र कैद में उसे रखा गया था वजीर अली को। और ऐसे ही वजीर अली बहुत परेशान हुआ था, उसे अंग्रेज़ों के प्रति बहुत गुस्सा था। एक दिन अचानक कुछ महीने बीतने के बाद वजीर अली को कलकत्ता बुलाया गया, इसीलिए वजीर अली थोड़ा सा गुस्सा हो गए और वह बनारस में कंपनी का जो वकील था उसके पास वो चले गए और उसने कंपनी के वकील को अपने कलकत्ता में उसे क्यों भेजा जा रहा है, क्यों बुलाया गया है, यह बात वो पूछने के लिए गया। लेकिन कंपनी के वकील ने वजीर अली की एक भी बात सही तरीके से नहीं सुनी और उसके ऊपर भड़क गया और इसी तरह से वजीर अली भी गुस्सा हो गए और उसने झट से अपना खंजर निकाला और वकील का वहीं पर कत्ल कर दिया और वहाँ से वो रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया अपने कुछ चुनिंदा सिपाहियों के साथ। वो वहाँ से निकल पड़ा, वहाँ से जाकर वो आजमगढ़ के जंगल में घुसा। वहाँ के जो शासक थे उनकी मदद से उसे घाघरा तक पहुँचा दिया गया और वजीर अली का एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान में से अंग्रेज़ों को बाहर निकलना और अवध को फिर से अपने हाथ में लेकर अपना शासन चलाना। बस उसके लिए कुछ राजाओं की मदद चाहिए थी, इसीलिए उसने अफगानिस्तान से मदद मांगी थी और अफगानिस्तान से उसे मदद भी आने वाली थी, बस उसका इंतज़ार वो कर रहा था। कहीं से भी वो नेपाल पहुँचे, वहाँ से अफगानिस्तान से उसे मदद आ जाएगी। इस तरह से जो अफगानिस्तान के बादशाह थे शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमले के लिए उसने आमंत्रण दे दिया। कर्नल उसे बताता है कि हमले की दावत जो है, यहाँ पर वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह को बुलाने से पहले टीपू सुल्तान ने अफगानिस्तान के बादशाह को भी हिंदुस्तान में बुलाया था। तो इस तरह से वो बस अफगानिस्तान से मदद की राह देख रहा था और आजमगढ़ के उस जंगल में अंग्रेज़ों को चकमा देता रहा, वो बिल्कुल हाथ नहीं आता था। आज जंगल में कहीं एक जगह पर वजीर अली दिखाई दिया सआदत अली के सिपाहियों को या अंग्रेज़ों के सिपाहियों को, तो वो वहाँ से झट से ऐसे निकल जाता कि वो कितने भी ढूंढे उसे मिलता ही नहीं था। और इसीलिए कर्नल कालीज ने और लेफ्टिनेंट ने उससे रॉबिन हुड की उपमा दी गई थी, क्योंकि जो रॉबिन हुड है वो भी ऐसे ही मजबूर लोगों का एक मसीहा था और उसी तरह से ये वजीर अली भी एक था जो अचानक दिखाई देता था और गायब होता था। और इसीलिए उस रॉबिन हुड की उपमा इस वजीर अली को भी कर्नल कालीज ने दी थी।
तो इस तरह से अंग्रेज़ों को चकमा देकर, सादत अली के सिपाहियों को चकमा देकर, वज़ीर अली अपने कुछ चुनिंदा सिपाहियों के साथ आज़मगढ़ के जंगल में ही अफ़गानिस्तान के बादशाह की मदद का इंतज़ार कर रहा था, ताकि जैसे ही वो बादशाह अपनी फ़ौज को लेकर आएगा, वो उनके साथ अंग्रेज़ों के ऊपर टूट पड़ेगा और फिर से अपने अवध को अपने हाथ में लेगा और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को बाहर फेंक दिया जाएगा, निकाला दिया जाएगा। तो इस तरह से वज़ीर अली का एक प्लान था। लेकिन हुआ इस तरह से कि कर्नल कालिज यानी अंग्रेज़ों के अधिकारियों से कर्नल कालिज को एक लेफ्टिनेंट के साथ आज़मगढ़ के जंगल में खेमा डालने के लिए कहा गया था और वज़ीर अली को पकड़ना था और उसके सिपाहियों को पकड़ना था। लेकिन कई दिनों के बाद वहाँ पर वज़ीर अली उनके हाथ ही नहीं लगा। ऐसे ही वज़ीर अली के बारे में कर्नल अपने लेफ्टिनेंट को ये सारी बातें उसकी बता रहे थे और ऐसे ही बातचीत चलते चलते एक दिन अचानक उस आज़मगढ़ के जंगल में जहाँ पर अपने खेमे में कर्नल अपने लेफ्टिनेंट के साथ बातें कर रहा है और वो वज़ीर अली के पूरे प्लानिंग के बारे में उसे समझा रहे थे, ऐसे में ही उनकी बातचीत शुरू थी और एक सिपाह बाहर उन्हें एक बहुत गर्द धूल उड़ती हुई दिखाई दी और घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सब एकदम सचेत हुए और उनको लगा कि कोई तो भी इस खेमे की तरफ आ रहा है, लेकिन वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि मानो कोई एक झुंड ही उसकी तरफ, उस खेमे की तरफ दौड़ी चली, बड़े तेज रफ्तार से दौड़ी चली आ रही है, ऐसी वो धूल की गर्द उड़ रही थी। लेकिन जैसे ही वो गर्द धीरे धीरे खेमे की तरफ आ गई और वहाँ पर रुकी, तो वहाँ पर एक घोड़े पर सवार व्यक्ति वहाँ से उतर गया और उसने सिपाही से कहा कर्नल के कि मुझे कर्नल साहब से मिलना है। कर्नल साहब ने कर्नल के जो सिपाही था उसने कर्नल साहब को उस व्यक्ति के आने की खबर दे दी। कर्नल ने उसे खेमे में भेजने के लिए इजाज़त भी दे दी। सिपाही अंदर आ जाता है और कर्नल से कहता है कि मुझे तनाही चाहिए, तनाही यानी एकांत। लेकिन कर्नल कहते हैं तो ये तो मेरे लेफ्टिनेंट है, उससे क्या छुपाना। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर पूरा एकांत चाहिए, बस तुम्हारे साथ ही मुझे बात करनी है। और इस तरह से कर्नल जो हैं वो अपने लेफ्टिनेंट को बाहर जाने की इजाज़त दे देते हैं। उस एकांत में वो सिपाही जो घुड़सवार था वो कर्नल से पूछता है कि आपने इस जंगल में इस तरह से खेमा क्यों डाल दिया है। तब वो कहते हैं कि मुझे वज़ीर अली को पकड़ना है, उसने हमारे नाक में दम कर दिया है और हमें उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना है, बस यही हमारी ख्वाहिश है और हमें वो इजाज़त है। इतना ही कहकर वो सिपाही कहता है कि वो वज़ीर अली तो एक जाबाज सिपाही है, वो तो यूं ही किसी के हाथ नहीं लगेगा, आप मुझे बस 10 कारतूस दीजिए। कर्नल कहता है वो किस लिए, तो वो कहता है कि जिस तरह से तुम्हें वज़ीर अली चाहिए, उस तरह से मैं भी वज़ीर अली के ही लिए ये कारतूस मांग रहा हूँ, क्योंकि वज़ीर अली कहाँ है और किस तरह से वो खेल खेल रहा है, उन सब से मैं वाकिफ हूँ और मैं उसे अच्छी तरह से पकड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए मदद ही करूँगा, बस मुझे 10 कारतूस चाहिए। कर्नल खुश हो जाता है, वो तो कहता है कि अरे, जिस व्यक्ति के लिए हम यहाँ पर कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं, वो व्यक्ति हमारे हाथ में नहीं लग रहा है, और अगर ये सिपाही अगर हमें उस वज़ीर अली को हमारे हवाले करना चाहता है, यानी हम दोनों का दुश्मन एक ही है वज़ीर अली, तो वो खुशी से उसे 10 कारतूस देने के लिए तैयार हो जाता है। सिपाही के हाथ में कर्नल 10 कारतूस देता है। सिपाही अच्छी तरह से हाथ में कारतूस लेते हैं और फिर कर्नल उसे कहते हैं कि भाई, तुम अपना नाम तो बताइए, आप कौन हैं।
10 कारतूस हाथ में लेकर वो सिपाही अपना नाम बड़े अदब से कहता है कि मैं वजीर अली हूँ। बस ये शब्द सुनते ही, ये नाम सुनते ही कर्नल एकदम शांत हो जाता है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। और घुड़सवार वहाँ से, वो जो जाबाज सिपाही है वो वहाँ से निकलता है, और निकलते निकलते खेमे से बाहर जाते समय वो उस कर्नल से कहता है कि तुमने मुझे 10 कारतूस दिए, इसलिए मैं आज तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ये कहकर वो अपने घोड़े पर बैठता है और जिस रफ्तार से वो आता है उसी रफ्तार से वो चला जाता है। और तब तक ये लेफ्टिनेंट कर्नल के खेमे में अंदर आते हैं और पूछते हैं कि कौन था वो सिपाही। देखो, लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि वो कौन था जो जिस रफ्तार से आया उसी रफ्तार से चला गया, जिसने आपके पास से एकांत मांगा वो कौन था। कर्नल जो है, कर्नल कालीज एकदम थक हो जाते हैं और एकदम स्तब्ध रूप से शांत खड़े रहते हैं और उस घोड़े की तरफ देखकर कहते हैं कि वो एक जाबाज सिपाही था। तो बच्चों, यही वो शब्द हैं जो हमने देखे थे कि एक दुश्मन के लिए भी या शत्रु के लिए भी किसी के मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलते हैं। ऐसे शब्द कर्नल ने अपने दुश्मन के लिए निकाले कि एक जाबाज सिपाही था। यानी वही पर कर्नल को समझ में आ गया था कि वजीर अली क्यों नहीं हाथ लग रहा है, क्योंकि वजीर अली खुद सामने होते हुए भी कर्नल उसे पकड़ नहीं सके, गिरफ्तार कर नहीं सके, और उल्टा उसके खेमे में आकर वजीर अली ने उसे उसकी जान बख्श दी, वो इसलिए ताकि उसने उसे 10 कारतूस दिए। तो देखो बच्चों, ऐसा था वो निडर जाबाज सिपाही वजीर अली, जो अपने दुश्मनों के खेमे में घुसकर उससे ही दो हाथ करता है और उसके सामने निडरता से खड़े रहकर किस तरह से कारतूस हासिल करता है और अपना नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। ये है निडरता, ये है अपना देश प्रेम। और इस तरह से उसने वहाँ पर, और फिर कर्नल को समझ में आ गया कि अभी यहाँ पर डेरा डालना कोई काम का नहीं है, अब यहाँ से अपना जो डेरा है वो उठाकर फिर से अपने यहाँ पर जाना ही ठीक है, क्योंकि वजीर अली अब यहाँ वापस नहीं आएगा। ये 10 कारतूस हासिल कर वो अब यहाँ से चला गया, वो अब कभी मेरे हाथ नहीं लगेगा, ना किसी के हाथ लगेगा। तो इस तरह से बच्चों, ये जो कारतूस लेसन है, जो पाठ है, ये पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में संवाद के रूप में लिखा हुआ है, जिसे आज मैंने आपको एक कहानी के रूप में पेश किया है। बच्चों, सचमुच वजीर अली इतना निडर था, जाबाज था, और उसकी ये जाबाजता जो है वो यहाँ पर बताई गई है। ऐसे ही निडर हमें बनना है, ऐसे ही निडरता से हमें काम करना है। एक चुनिंदा सिपाहियों के साथ रहकर उसने किस तरह से बड़े सशक्त और शस्त्रों से भरे हुए अंग्रेज़ों को किस तरह से वो चकमा देता रहा, किस तरह से उन्हें फंसाता रहा, लेकिन उनके हाथ नहीं आया। ये जाबाज और ये निडरता हमारे सबके सामने होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा ही आ जाएगा कि हम सबको इस देश के लिए लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार होना है। तो ऐसी ही निडरता, ऐसा देश प्रेम हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, ये भी हमने देखा कि किस तरह से उसने उस वकील के, कंपनी के वकील के घर में घुसकर उसका कत्ल कर दिया था। ये जो थी, ये सारी नफरत थी उसके दिलों में, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी, यही से उसे निडरता मिली थी और इसी से उसे जो ताकत मिली हुई थी, और उसी ताकत के बल पर वो लड़ता रहा, उन्हें चकमा देता रहा और वो अपने आगे बढ़ता रहा। बच्चों, यहाँ तक ही ये लेसन का दिया हुआ है, इस कारतूस का एक छोटा सा नाटक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया हुआ है कि किस तरह से ये जाबाज उस सिपाही की, यानी वजीर अली की जाबाजता यहाँ पर दिखाई रही है।
और हमारे हिंदुस्तान में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सआदत अली की तरह अपने दुश्मनों से मिले हुए हैं और इन दुश्मनों से मिलने के बाद अपने ही देश में हमारे ही लोगों को लड़वा रहे हैं, भिड़वा रहे हैं, और इसीलिए दुश्मनों की एक ताकत बन जाती है हमारे देश में घुसकर आतंकवाद फैलाना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वजीर अली की तरह निडर हैं, जाबाज है, जो आज अपने दुश्मनों को इस तरह से चकमा देकर उनका खात्मा कर रहे हैं, उन्हें अपने देश से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उन जैसे लोगों को सहायता करनी है, मदद करनी है, जो वजीर अली की तरह हैं। इस पाठ को यहाँ पर देने का उद्देश्य एक ही है कि हमें भी वजीर अली की तरह, भले ही वो किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन हमें उससे कौन सा गुण लेना है कि वो जाबाज था, वो निडर था, और किस तरह से अपने दुश्मन का खात्मा करना है वो मन में ठानना है और उससे लड़ना है और अपने तख्त को, अपने राज्य को फिर से किस तरह से हासिल करना है। बच्चों, आज हमारे भारत में भी, हमारे महाराष्ट्र के भी छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी तरह से लड़े थे, एक जाबाज सिपाही की तरह ही थे। ऐसे इतिहास को हम जानते हैं, लेकिन ऐसे भी छोटे छोटे इतिहास के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी हासिल करती है जब हम पढ़ते हैं, और उससे ही हमें उस प्रकार की जानकारी हासिल होती है। इस पाठ में से हमें ये भी बताया गया है कि आत्मविश्वास हमारे अंदर, आत्मविश्वास की सफलता प्राप्ति का एक मूल मंत्र होता है, क्योंकि आत्मविश्वास वह गुण है जो बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना करने में हमारी सबसे अधिक मदद करता है। आत्मविश्वास के बल पर ही हम सामने वाले के मनोबल को कम कर सकते हैं। यह गुण हमें कभी भी निराश के भंवर में नहीं फंसने देते। कभी कभी यह बड़े बड़े चक्रव्यूह से निकालने में भी सहायता हमारी करते हैं। वजीर अली का आत्मविश्वास ही उसे कर्नल के खेमे में अकेले जाने की हिम्मत देता है और कारतूस लेकर अपना नाम बताकर लौटने में भी मददगार साबित होता है। कौन? हमारे अंदर का आत्मविश्वास। अतः जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास को बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक है। बच्चों, हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है उसे हमें कभी भी ऐसे ही डगमगते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, उसके ऊपर ठाम रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ही आत्मविश्वास हमें कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। तो यही यहाँ पर एक सच्चे देशभक्त में कौन से गुण होने चाहिए, ये हमें वजीर अली के इस चरित्र से देखने के लिए मिलते हैं, और किस तरह से हमारे अंदर का आत्मविश्वास हमें लड़ने के लिए तैयार करता है, हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाता है, यही इस पाठ में से हबीब तनवीर जी ने हमें दिखाने का प्रयास किया है। बच्चों, आज की परिस्थिति भी इसी तरह से है कि हमें भी देशभक्ति, एक सच्चा देशभक्त बनने के लिए वजीर अली की तरह उसके चारित्रिक गुणों का हमें अवलंब करना चाहिए और हमारे आत्मविश्वास को ऐसे दृढ़ रखना चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और हमारे अंदर भी उतनी ही निडरता और उतनी ही ताकत आ जाए जैसे वजीर अली को अकेले होते हुए भी इतने भरे हुए अंग्रेज़ों की फौज में भी उसने कर्नल के खेमे में जाकर उससे 10 कारतूस हासिल कर वो किस तरह से अपने आप को बचा कर बाहर निकला। ये हमारे अंदर की ताकत, हमारे अंदर का आत्मविश्वास इतना हमें बल देता है। तो बच्चों, ये आत्मविश्वास का महत्व हमें यही इस पाठ में देखने के लिए मिलता है। बच्चों, इस पाठ को आप ज़रूर अच्छी तरह से पढ़िए, तब आपको इस पाठ के जो सारे जो पात्र हैं, कर्नल कालीज हैं, वजीर अली है, सआदत अली है, आसिफुद्दौला हैं, सआदत अली के साथ साथ लेफ्टिनेंट हैं, इन सब की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर मिल जाएगी। लेसन पढ़ते पढ़ते भी आपको बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। एक इतिहास, हमारी भाषा में भी एक इतिहास का इस तरह का पाठ आपको बड़ा ही खुश कर देगा, और इसे पढ़ने के बाद आप अधिक जानकारी भी इस वजीर अली के बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों, यहीं पर हमारा यह जो पाठ है कारतूस का, इसका अध्ययन समाप्त होता है।